तो एक बार दोनों प्रोसेसेस को दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को बहुत तेजी से समअप करते हैं, यानी कि या ये कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस लिखिए मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ पॉइंट्स में, या फिर कंपैरिजन लिखिए मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ पॉइंट्स में। तो कंपैरिजन बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस या डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस छोटे से टेबल से आपको दोनों प्रोसेसेस को बहुत आसानी से समझने में हेल्प मिलेगी। तो हमने कहा कि ये एक कॉलम हमने बनाया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए, यानी कि मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस कॉलम में मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, मेल के लिए, और एक कॉलम हमने बनाया है मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए, यानी कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल कितनी होगी। तो हम सारी बातें कर रहे हैं विद द रेफरेंस, एक रेफरेंस यानी कि एक सिंगल स्पोरेंजियम के, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनेंगे उनको स्पोरेंजियम बोलेंगे, माइक्रो स्पोर्स बनेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम बोलेंगे, मेगा स्पोर्स बनेंगे मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हमने आपको बताया कि जहां पे मैं स्पोर्स की बात करूंगा तो मेल के रेफरेंस में अगर बात कर रहा हूं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि माइक्रोस्पोर्स के लिए बात हो रही है, और फिर अगर मैं स्पोर बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ फीमेल के रेफरेंस में यानी मेगास्पोरोजेनेसिस वाले कॉलम की अगर मैं बात करूंगा तो समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, मेगास्पोर्स के लिए। और स्पोरेंजियम की अगर हम बात कर रहे हैं मेल के लिए तो माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए मेगास्पोरेंजियम के लिए। तो मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर और जिससे बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल स्पोर्स को मेगास्पोर्स और जिसमें बनेंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल आपको बताना है एक माइक्रोस्पोरेंजियम में एक मेगास्पोरेंजियम में, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितनी आर्किस्पोरियल सेल होंगी और एक ओव्यूल के अंदर कितनी आर्किस्पोरियल सेल होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी, नंबर नहीं काउंट कर सकते तो हम लिख दे रहे हैं मैनी, बहुत सारी क्या होंगी आर्किस्पोरियल सेल होंगी। लेकिन अगर हम एक ओव्यूल या एक मेगास्पोरेंजियम की बात अगर करें तो एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर हम स्पोरोजिनस सेल्स की बात अगर करेंगे तो बहुत सारी होंगी मैनी, क्योंकि आर्किस्पोरियल सेल जो है वो प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं, तो कई सारी आर्किस्पोरियल सेल होंगी तो बहुत सारी क्या बनेंगी प्राइमरी पेराइटल सेल, और बहुत सारी क्या बनेंगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस सेल। लेकिन अगर एक सिंगल आर्किस्पोरियल सेल होगी तो जब इसमें माइटोसिस होगी तो एक पीपीसी बनेगी, एक पीएससी बनेगी, यानी कि एक प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगी, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस, उससे एक स्पोरोजिनस सेल बनेगी। तो एक आर्किस्पोरियल सेल होगा एक स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर, तो उससे एक ही स्पोरोजिनस सेल बनने वाली है। नंबर ऑफ स्पोर्स इन वन स्पोरेंजियम, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां के लिए तो मैं ये फॉर्मेट बना सकता हूं नंबर ऑफ माइक्रो स्पोर्स इन वन माइक्रो स्पोरेंजियम। तो यहां पे मैंने एक कॉमन सेंटेंस लिखा है दोनों प्रोसेसेस के लिए, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्पोर्स इन वन में स्पोरेंजियम, मतलब यहां के लिए मैं बात कर रहा हूं कितने स्पोर्स होंगे माइक्रो स्पोर्स होंगे एक माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मैनी, यहां पे भी क्या है बहुत सारे, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे। लेकिन एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मेगा स्पोरेंजियम होंगे वो कितने होंगे, चार। तो हमने आपसे ये कहा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं। लेकिन एक मेगा स्पोरेंजियम या एक ओव्यूल के अंदर कितने मेगा स्पोर्स होंगे, तो चार मेगा स्पोर्स होंगे। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए आपको कि एक मेगा स्पोरेंजियम या एक ओव्यूल के अंदर 4 मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जस्ट अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज नंबर ऑफ फंक्शनल और सर्वाइवल स्पोर्स इन वन स्पोरेंजियम, मतलब नंबर ऑफ फंक्शनल और सर्वाइवल माइक्रो स्पोर्स इन वन माइक्रो स्पोरेंजियम, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो स्पोर्स जो होंगे वो सर्वाइव करेंगे या फंक्शनल होंगे। लेकिन अगर हम ये कहें नंबर ऑफ फंक्शनल और सर्वाइवल मेगा स्पोर्स इन वन मेगा स्पोरेंजियम और एन ओव्यूल, तो बात यहां पे आएगी कि चार तो बनते भले हैं
लेकिन इसमें से तीन चलाजल माइक्रोपाइलर एंड साइड से तीन डीजर्नेट हो जाते हैं और चलाजल एंड का सिंगल फंक्शनल होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए वन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है, बनेंगे चार लेकिन फंक्शन होगा सिंगल, यानी वन मेगास्पोरेंशियम। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए तो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अरेंजमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ लीनियर, एक लाइन में अरेंज होंगे। यहाँ पे अरेंज होते हैं इस तरीके से, वन टू थ्री एक इसके पीछे, और यहाँ पे अरेंज होंगे वन टू थ्री फोर, चारों एक लाइन में। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस एन स्पोर्स, अगर हमको एन स्पोर्स प्रोड्यूस करना है तो कितनी बार मियोसिस कराना पड़ेगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि एन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी बार मियोसिस करने की जरूरत है, या एन नंबर्स ऑफ मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितनी बार मियोसिस की जरूरत है। तो दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे सारे पॉइंट्स की तरह। तो आपको पता है कि एक पीएमसी या ऐसे कह सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक पॉलन मदर सेल या एक पॉलन पोटेंशियल की बात करें तो मदर सेल में होती है मियोसिस, और मियोसिस से कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, फोर। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस होगी तो फोर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार कंप्लीट मियोसिस होगा तो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक बार मियोसिस से चार क्या बन रहे हैं, डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो हमें चार तो चाहिए नहीं, कितने चाहिए, एक। तो हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि n स्पोर्स की अगर हमको जरूरत है, n माइक्रोस्पोर्स की जरूरत है तो हमको मियोसिस कराना पड़ेगा n/4 times। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि हमको 100 नंबर चाहिए किसके, माइक्रोस्पोर्स के, 100 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करना है हमको, बताओ कितनी बार मियोसिस कराएं, या कितनी बार मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होगा 100 नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, एक बार में चार बनेंगे तो 100 कितनी बार में बनेंगे, 4 कर देंगे। एन की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 100। तो हमने एक जनरल फॉर्मेट बनाया है आपके लिए कि एन स्पोर्स या एन माइक्रोस्पोर्स के लिए n/4 times मियोसिस होगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। n/4 times क्या है, कम से कम एक बार तो कराना ही पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कॉमन फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट मैंने बनाया है दोनों प्रोसेसेस के लिए कि n माइक्रोस्पोर्स से ये तो कितनी बार मियोसिस, n मेगास्पोर्स से ये तो कितनी बार मियोसिस होगी या होनी चाहिए। तो माइटोसिस के लिए नहीं, मैं मियोसिस के लिए बात कर रहा हूं, n नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए n/4 times मियोसिस कराना पड़ेगा, मियोसिस कराना पड़ेगा। लेकिन मैं फंक्शनल मेगा स्पोर के लिए अगर बात कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली, अगर आपसे कोई कहे ना, स्पेसिफाई ना करे कि फंक्शनल या फिर जो डीजनरेट हो जा रहे हैं सबके लिए बात हो रही है या फिर केवल फंक्शनल के लिए बात हो रही है, केवल डीजनरेट होने वाले के लिए बात हो रही है, तो आप ये मान के चलेंगे, समझ लीजिए कि हमसे बात हो रही है किसकी, फंक्शनल की। तो एन फंक्शनल मेगा स्पोर्स पूछे चाहे एन मेगा स्पोर्स पूछे, बात देखिए, अगर ये कह रहा है कि एन मेगा स्पोर्स हमको चाहिए, कितनी बार मियोसिस कराने की जरूरत पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि फंक्शनल मेगा स्पोर्स की बात हो रही है। तो एन मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, 100 मेगा स्पोर्स चाहिए तो कितनी बार मियोसिस, एक बार मियोसिस में चार बनते भले हैं लेकिन तीन डीजनरेट हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, तो फंक्शनल एक ही होगा चलाजल एंड पे। तो 100 फंक्शनल या 100 मेगा स्पोर की अगर हमको जरूरत होगी तो 100 टाइम्स मियोसिस कराने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि n मेगा स्पोर चाहिए तो हम मियोसिस कराएंगे n टाइम्स। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराए कि मियोसिस कितनी बार होगी, n नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स।
तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इनसे हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्या आप समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये लास्ट वाला। तो हम कह सकते हैं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। लेकिन इसको आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछ सकता है बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, या कंपैरिजन पूछ सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस से। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस।